वेलकम टू माई चैनल वायरल बॉलीवुड लॉलीवुड। इस वीडियो में हम सलमान खान पे लगे हुए इल्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। दबंग थ्री के अदाकारा का सलमान खान पर बहुत ही ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम। दबंग थ्री के अदाकारा हिमा शर्मा ने सलमान खान पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में पेश आए वाक्य को बयान करते हुए अदाकारा हिमा शर्मा जज्बाती हुए ने कहा कि सलमान खान के साथ दोबारा कभी मिलना नहीं चाहेंगी। अदाकारा हिमा शर्मा ने कहा है कि इन्हें सेट पर जलील किया गया और कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया गया। हिमा शर्मा ने वीडियो में बयान में कहा कि अरे आप सुपर स्टार हैं सलमान खान, तभी तो आपके साथ लोग तस्वीर लेना चाहते हैं, और ये कहना कि लड़की की इज्जत करो, ये करो, वो करो, आप जैसा रवैया करते हैं इससे पता लग जाता है कि आप लड़की की कितनी इज्जत कर रहे हो। इन्होंने कहा कि आज मुझे 3 साल हो गए हैं, 2019 में मेरी बेइज्जती की गई थी और इस दिन से आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सलमान खान से मिलना है। अदाकारा ने कहा कि जब मैं सिर्फ सलमान खान के साथ तस्वीर बनवाना चाहती थी तो मुझे जलील किया गया था, मेरी बेइज्जती की गई थी। हिमा शर्मा ने कहा कि मैं वाकई दबंग थ्री में काम करना चाहती थी और फिल्म में काम करने के लिए अपनी सलाहियत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की थी, क्योंकि मैंने सलमान खान से मिलना चाहती थी, मेरा सीन उनके साथ था और मौके के लिए बहुत खुश थी। अदाकारा ने कहा कि सलमान खान से मिलने के लिए 50 लोगों से बात की, फिर पंडित जनार्दन से रब्ता किया। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा हो जाएगा, जब हम सलमान खान से मिलने गए तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और मुझे जलील किया गया, मुझे कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया गया। हिमा शर्मा ने कहा कि इस वाकये के बाद मैंने 10 दिन तक सो नहीं सकी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।